भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को बसंत पंचमी, बसंतोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता सरस्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बसंत पंचमी के दिन आपको कौन कौन से ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे पूरे साल आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन माता सरस्वती का प्रागट्य उत्सव मनाया जाता है। विद्या एवं बुद्धि की अधिष्ठात्री माता सरस्वती का प्रागट्य माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ है, इसीलिए इस दिन को माता सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक गुप्त नवरात्रि रहती है और इसी के मध्य पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का महापर्व मनाया जाता है और इस दिन को सबसे विशेष दिवस माना जाता है, क्योंकि यह दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं। जैसे आपको नए घर का भूमि पूजन करना है, या फिर नया वाहन खरीदना है, या फिर नए घर में प्रवेश करना है, या फिर नए कार्यालय में आपको शुभारंभ करना है, या नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ करना है, नया पदभार ग्रहण करना है, या फिर आपके जीवन के लिए कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम आपको करना है, तो आप बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे कोई भी नया एवं शुभ कार्य शुभारंभ कर सकते हैं। इस बार बसंत पंचमी का महापर्व 5 फरवरी 2022 शनिवार के दिन है। पंचमी तिथि का आरंभ 5 फरवरी को सुबह 3:46 से होगा, जो कि अगले दिन यानी 6 फरवरी की सुबह 3:46 तक पंचमी तिथि रहेगी। तो सूर्योदय व्यापिनी तथा पूरे दिन जो पंचमी तिथि रहेगी वह 5 फरवरी 2022 शनिवार के दिन रहेगी और इस दिन अमृत सिद्धि योग, सर्वार सिद्धि योग, केदार योग, कुमार योग और अन्य कई महत्वपूर्ण योग विद्यमान रहेंगे, इसलिए इस दिन बड़े ही शुभ योग प्राप्त हो रहे हैं। तो इस शुभ योग में, अबुझ मुहूर्त में आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका अनंत गुना पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन सभी विद्यार्थी वर्ग इस दिन माता सरस्वती का पूजन अवश्य करें, क्योंकि विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री माता सरस्वती के प्रागट्य उत्सव शुभ अवसर पर यदि विद्यार्थी वर्ग या शिक्षण संस्थानों में माता सरस्वती जी की स्थापना करके उनका विशेष पूजन अर्चन किया जाए तो निश्चित तौर से माता सरस्वती की भरपूर कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी, क्योंकि माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सरस्वती की कृपा अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। जब हमारे अंदर अच्छी बुद्धि का विकास होगा, हमारी बुद्धि तीव्र रहेगी और हम मेधावान रहेंगे तो निश्चित तौर से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और जब लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तो उसका सदुपयोग करने के लिए सदमार्ग हमें माता सरस्वती जी ही दिखाएगी। इसलिए सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि का विकास होना आवश्यक होता है। जब उसकी बुद्धि अच्छी रहेगी, तीव्र रहेगी, तेज रहेगी तो उसकी जो कार्यशैली रहेगी वो भी अच्छी रहेगी, क्योंकि मन मस्तिष्क में जब हम अच्छी विचारों का प्रवाहन होता है तब माता सरस्वती की कृपा होती है और जब माता सरस्वती की कृपा होती है तो माता लक्ष्मी तो अपने आप ही उनके घर में निवास करती है और वह मनुष्य सद्मार्ग को करता हुआ अपने जीवन को जो है अग्रसर करता है। 5 फरवरी 2022 शनिवार के दिन बसंत पंचमी का महापर्व है और इस दिन आप सुबह सूर्योदय के पहले उठे, स्नान करें, पवित्र वस्त्र धारण करें। इस दिन ध्यान रखें कि माता सरस्वती को पीताम्बर यानी पीले वस्त्र अत्यधिक प्रिय है, इसलिए बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करना चाहिए तथा मस्तक के ऊपर पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए।
और इस दिन आपको माता सरस्वती का विशेष पूजन अर्चन करना होगा। वैसे तो आप प्रत्येक दिन अपने घर के देवी देवताओं का जो पूजन करते हैं वो पूजन करें, भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं तथा पूर्व दिशा की तरफ एक चौकी या पटे की स्थापना करें, उसके नीचे हल्दी का चौक बना देवे या रंगोली बना देवे और पीला वस्त्र उस चौकी या पटे के ऊपर स्थापित करके माता सरस्वती के चित्र की स्थापना करें, या फिर आपके घर में माता सरस्वती जी की मूर्ति हो तो उनकी भी आप स्थापना कर सकते हैं तथा कलश की स्थापना करें। सर्वप्रथम भगवान गौरी गणेश का पूजन करें और उसके बाद कलश का पूजन करें और उसके पश्चात माता सरस्वती का पूजन करें। ध्यान रखें, माता सरस्वती को पीली वस्तुएं अत्यधिक प्रिय होती है। जैसे माता सरस्वती का जब आप पूजन करें तो हल्दी या केसर में चावल को पीला कर लेवे, पीले अक्षत उनको चढ़ावें, पीला चंदन हल्दी उनको अर्पित करें और पीले वस्त्र उनको अर्पित करें। इसी के साथ पीले रंग का भोग या केसर या चावल या पीले रंग की मिठाई माता सरस्वती को आप अर्पण करेंगे तो उनकी अपार कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहेगी और माता सरस्वती का भरपूर आशीर्वाद आपको सदैव प्राप्त होता रहेगा। प्रत्येक मनुष्य को माता सरस्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए और इस दिन पीले रंग की वस्तुएं माता सरस्वती को अर्पण करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक दिन मनुष्य को माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए, लेकिन बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का प्रागट्य हुआ है, इसलिए इस दिन माता सरस्वती का पूजन प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इस दिन श्याम सुंदर पंचमी के रूप में भी वृंदावन में इस दिवस को मनाया जाता है। वृंदावन में जो होली का उत्सव का आरंभ होता है वो वसंत पंचमी के दिन से ही होता है और निरंतर 40 और 45 दिनों तक वसंत उत्सव, होली का उत्सव वृंदावन में निरंतर वसंत पंचमी से लेकर के 45 दिनों तक चलता ही रहता है। तो वसंत उत्सव का आरंभ वसंत पंचमी से माना जाता है और वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ में भगवान विष्णु जी का भी विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय भी किए जाते हैं और विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री माता सरस्वती की प्रसन्नता के लिए आपको वसंत पंचमी के दिन प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन दाढ़ी कटिंग और शेविंग भी नहीं करना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन आपको काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। प्रयास करें कि इस दिन पीले कपड़े अवश्य पहने। यदि संपूर्ण पीले वस्त्र नहीं पहन सकते हैं तो कोई भी एक कपड़ा पीला अवश्य पहने या फिर पीले रंग का कोई भी रुमाल या कपड़ा भी अपने साथ रख सकते हैं तथा इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, पेड़ पौधों को काटना एवं छांटना नहीं चाहिए। वसंत पंचमी के दिन नए घर के लिए आप भूमि पूजन कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं या कोई भी नया या शुभ कार्य यदि आपको संपादित करना है तो वसंत पंचमी सर्वोत्तम दिन माना जाता है। विवाह के लिए भी वसंत पंचमी अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। वसंत पंचमी के दिन आप कोई भी नया काम या शुभ काम करते हैं तो आपके जीवन में वह उन्नतिदायक और शुभ फलदायक साबित होगा। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की कृपा को प्राप्त करने के लिए केसर या रंग के पीले रंग के चावल आपको बनाना चाहिए। केसर या भात जिसे कहा जाता है, पीले रंग के चावल बना करके माता सरस्वती को पहले भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद में भोजन के साथ उस पीले रंग के चावल को आप स्वयं भी प्रसाद के रूप में खाएं तो निश्चित तौर से पूरे वर्ष आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और माता महालक्ष्मी की अपार कृपा आपके जीवन पर निरंतर बरसती रहेगी। क्योंकि पीले रंग का जब आप भोजन करेंगे तो आपकी बुद्धि तीव्र होगी और जब आपकी बुद्धि तीव्र होगी तो आपका जो है बुद्धि का विकास होगा और आपके घर में माता महालक्ष्मी की अपार कृपा निरंतर बनी रहेगी।
तो आप बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के चावल का सेवन अवश्य करें। यह चावल आप दिन में भी खा सकते हैं और शाम को भी खा सकते हैं। यदि आप चाहें तो संपूर्ण भोजन भी पीले रंग का उपयोग कर सकते हैं, जैसे चने की दाल से बने भोजन का उपयोग करें या फिर तुवर की दाल का भी आप उपयोग कर सकते हैं, पीले रंग की मिठाइयों का आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो भी वस्तुएं खाएं पीले रंग की, यदि आप खाएंगे तो माता सरस्वती अत्यधिक परम प्रसन्न होगी, और जब आप माता सरस्वती को प्रसन्न कर लेंगे तो माता महालक्ष्मी तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएगी और आपके घर में पूरे साल जम करके पैसा बरसेगा, रुपया बरसेगा, आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप बसंत पंचमी महापर्व के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्र दान, अन्न दान, गौ दान या कोई भी दान पुण्य यदि आप बसंत पंचमी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके वसंत पंचमी महापर्व का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।